हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सेंस। सो गाइस, आज मैं बताऊंगा Realme GT Neo 5 के बारे में। इस फोन में आपको बढ़िया चार्जर मिल जाएगा। इस फोन में जो चार्जर दिया गया है वो है 250 वाट की चार्जर। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। Realme GT Neo 5, इसकी बैक पैनल में आपको RGB लाइट देखने को मिल जाएगा, जो देखने में आपको नथिंग फोन की जैसा दिखेगा। एंड इसकी जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। एंड इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो आपको इसकी थिक बहुत ही बढ़िया है। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो आपको इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो आपको 144Hz की स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। एंड इसके टच सिम्बलिंग रेट के बारे में बात करें तो आपको 344Hz की टच सिम्बलिंग रेट भी मिल जाएगा। सो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में तो इसके रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा। 50MP प्राइमरी कैमरा प्लस 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2MP माइक्रो कैमरा। इनमें से जो प्राइमरी कैमरा होता है 50MP वो है IMX890 OIS के, जो बहुत ही बढ़िया कैमरा होता है। एंड इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट पे सिंगल 16MP के फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया पिक्चर देता है। एंड इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो आपको 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो आपको इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वो है 4K 30fps पर आप इस कैमरे से वीडियो ले सकते हो। बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो आपको इसमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो है पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन Gen 1 प्रोसेसर। इसके 1 स्कोर के बारे में बात करें तो आपको अराउंड 5 लाख के आसपास मिल जाएगा। एंड इसके में आपको ऑटोमेटिक कूलर सिस्टम मिल जाएगा, जिसके जरिए आपके फोन को हॉट होने से बचा लेगा। इसकी ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आपको 900 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो आउटडोर में भी आपको साफ साफ दिखेगा। बात करते हैं इसके वर्जन के बारे में तो आपको ये फोन Realme UI 4.0 वर्जन में मिल जाएगा। एंड इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको एंड्रॉइड 13 में ये फोन अवेलेबल मिल जाएगा। करते हैं इसके कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क सिस्टम के बारे में तो आपको इसमें टाइप सी चार्जर मिल जाएगा। एंड इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको डुअल सिम सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड इसमें जो नेटवर्क रहेगा वो है 5G की नेटवर्क। लेते हैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में तो आपको इसमें जो बैटरी मिलेगा वो है 4600mAh की बैटरी, जो चार्ज करने के लिए आपको 240W की फास्ट चार्जर मिल जाएगा। एंड ये फोन फुल चार्ज होने में आपको 9 मिनट लगेगा। फाइनली इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये फोन आपको मार्केट में 40,000 के आसपास मिल जाएगा।